हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लास्ट पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है डिलीवरी व्लॉग का तो ज़रूर चेकआउट करिए। लेकिन उसमें जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो उसका हमने रिकॉर्ड नहीं किया वीडियोस, क्योंकि हमें उस समय समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रिकॉर्ड करें। लेकिन बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज हमने रिकॉर्ड करी हैं जो कि आप देख सकते हैं पार्ट टू में। ये है हमारी दीपशिका मैम, वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन जबलपुर फ्रॉम आदित्य हॉस्पिटल। लेबर रूम से बाहर आने के बाद ना मुझे अपने रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, और जब मेरे रूम को ना इतना प्यारा डेकोरेट किया गया था, पिंक ब्लू और वाइट बलून से इतना प्यारा लग रहा था। और बेटू को ना मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि NICU में बेटू को वो लाइट थेरेपी देने के लिए लेके गए थे, तो काफ़ी देर तक बेटू को नहीं लेके आए थे बाहर, और डायरेक्ट ना मुझे दिखाने के बाद बेटू को डायरेक्ट उन लोग NICU लेके गए थे लाइट थेरेपी के लिए, ताकि बेटू को जॉइंटेस ना हो। लेकिन उसके बाद भी बेटू को जॉइंटेस हो गया था, और हम लोग को ना डिलीवरी के बाद भी, मतलब घर जाने के 2 दिन बाद भी उसको फिर हमें ला के एडमिट करना पड़ा था। तो यहाँ पे मुझे रूम में एंट्री करी, और मैं रूम देख के इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था तब इतना प्यारा डेकोर किया था ना यार। आप देख रहे हैं वीडियो में कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई थी, मेरे लिए प्रेयर करी कि सब कुछ अच्छे से हो गया, और फाइनली फिर हमको बेटू मिल गई थी और हमारे पास ला के दे दिया था। तो उसके दादू उसको प्यार से ले रहे हैं, उतने ही वो बोलता है कि मैं भी अपने दादू के साथ फोटो खिंचाऊंगा, और वो दादू के साथ फोटो खिंच रहा है। और ईवो को ना बहन चाहिए थी। मत को आ गई है मम्मा के पास। मम्मा कैसा लग रहा? मम्मा हैप्पी। अभी मम्मी को ढको, अच्छे से ढकती है। जिस डे बेटू हमको हुई थी उसी दिन वो रात में बेटू अपने डैडा से वीडियो कॉल में बात कर रही है, और देखिए ना कितने प्यार से बात कर रही है। फिर डैडा दूसरे दिन आए थे लकू, और फिर बेटू के लिए तो यहाँ पे मम्मी बेटू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूसली नानी को देख रही है, नींद आ रही है। पिया जितना तुम पिएगे उतना पिलाएंगे बाबू। से स्पून कहाँ चले गए? चल रहा है, दो डूबी रही हो। ए जा ओले। दादी बेटू की नाइट ड्यूटी करके थक गई थी तो ईबू के साथ सो रही थी, और हॉस्पिटल की तरफ से बर्थडे सेलिब्रेशन था बेटू का। काफ़ी स्पेशल फील कराते हैं आपको, आपके बेबी को, आपकी फैमिली को, और काफ़ी मतलब अच्छा स्टाफ है, और बहुत ही प्यारा हॉस्पिटल भी, और रूम उन्होंने डेकोरेट किया था हम लोग के लिए। मैं तो केक खा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी एक रात पहले ही डिलीवरी हुई थी, तो मैं लक्कू को केक खिला रही हूँ और मैं ईबू को केक खिला रही हूँ, और बेटू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस में आके शेयर कर रही हूँ बेटू की। पता हो बेटू को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, बहुत क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस, बट मैंने हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं किया हम लोग ने। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हम लोग के चैनल को। फाइनली लक्की केकों का प्यारा सा बच्चा हमारे पास आ ही गया। इसके बाद अगर आप बेटू का वेलकम ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए जल्दी से सब्सक्राइब।